एक सिख लड़का पंजाब के होशियारपुर जिले में पैदा होता है। पिता पंजाब पुलिस में हवलदार थे। 60 से 70 के दशक में परिवार ब्रिटिश कोलंबिया चला जाता है। 20वीं सदी में वो लड़का कनाडा का रक्षा मंत्री बन जाता है। लेकिन ये सब अचानक से नहीं हुआ, एक लंबी कहानी है संघर्ष की, विदेश में अपनी पहचान बनाने की और इतनी शोहरत के बाद विवादित होने की भी। ये कहानी है हरजीत सिंह सज्जन की। कहते हैं कनाडा में इस परिवार को काफी संघर्ष करना पड़ा था। पिता कुंदन सिंह जहां आरा मिल में काम करते थे, वहां माँ खेतों में मजदूरी करती थी। 1889 में पढ़ाई पूरी करने के बाद हरजीत द ब्रिटिश कोलंबिया रेजिमेंट में भर्ती हो गए। साल 1991 में आर्मी में कमीशन अफसर बनने के बाद वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुंचे। वो पहले सिख थे, उनके हाथों में कनाडा की फौज की किसी रेजिमेंट की कमान सौंपी गई थी। आर्मी में सज्जन ने खूब नाम कमाया, खासतौर पर अफगानिस्तान में तैनाती के दौरान उन्होंने कई मेडल भी जीते। नौकरी छोड़ने के बाद हरजीत ने कनाडा को ही अपना घर बनाया, अपनी कंसल्टेंसी शुरू की, जिसके तहत वो कनाडा की पुलिस और आर्मी को गुप्तचर के तौर तरीकों की ट्रेनिंग देते थे। साल 2014 में हरजीत सज्जन ने राजनीति ज्वाइन कर ली, कनाडा की लिबरल पार्टी से आम चुनाव लड़ा। वो दक्षिण वैंकूवर सीट से पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए और जीत भी हासिल कर ली। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने उन्हें रक्षा मंत्री बनाया। अभी तक हरजीत की कहानी हीरो जैसी चल रही थी, लेकिन वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के बाद उनकी काफी आलोचना हुई, क्योंकि इस संगठन के कई सदस्य खालिस्तान के समर्थक माने जाते हैं। कहते हैं जब हरजीत सिंह सज्जन भारत के दौरे पर आए तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। कैप्टन अमरिंदर ने सज्जन पर खालिस्तान समर्थक होने का आरोप लगाया, हालांकि उनकी ओर से इसका खंडन किया गया। हरजीत सज्जन ने मंत्री बनने के बाद मैकलियन नाम की वेबसाइट को एक बार कहा था, हम खेतेहर परिवार थे और मेरी दादी सिर पर चारा उठा कर लाती थी। हमारे पास 3 बैल थे और एक सुस्त सा बैल मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। आज पंजाब से हर कोई कनाडा जा रहा है, कनाडा जाने की लोगों में गजब की दीवानगी है। लेकिन हरजीत उस उम्र में कनाडा गए जब उन्होंने होश भी नहीं संभाला था। हालांकि हरजीत को लेकर विवाद भी होते रहते हैं। भारत के खिलाफ खालिस्तानियों की साजिश को हमेशा नाकाम किया जाता है और ऐसे में खालिस्तानियों का समर्थन करना भारत का विरोध जैसा है। हालांकि हरजीत का कहना है कि वो खालिस्तान का समर्थन नहीं करते हैं। कुछ साल पहले अपने सैनिकों को यह आदेश देना कि पहले सिख को अफगानिस्तान से बाहर निकालो, ऐसे बयान से हरजीत सज्जन की साख को नुकसान पहुंचा है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें TV9 डिजिटल के साथ।